जाहिन सर, ये एसआई मनीष पाल की 10 दिन की छुट्टी का अप्रूवल दिए थे कि नहीं? सर उसकी छुट्टी मंजूर हो गई थी सर। छुट्टी मंजूर हो गई तो उसे ठाकुरगंज काहे भेज दिया? सर वहाँ पर नेताजी का दौरा था और हमारे पास सिपाही कम थे। उसकी छुट्टी कैंसिल करवा कर उसे शहीद होने के लिए ठाकुरगंज भेज दिए? सर वो अपनी ड्यूटी को इतनी अहमियत दे रहा था तो हम क्या कर सकते थे। अच्छा ठीक है। हमारी दुकान साहब मुन्ना शुक्ला कब्जा किए हुए और हमें धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा घर फूंक देंगे। सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए आप लोग। कब तक सब्र रखें? कब तक इंतजार करें इनकी बेटी पर तेजाब डालने का या इनके घर फूंकने का? बस इंतजार करें। अरे हमें तो इंतजार भी नहीं करना है, हमारे भाई पर गलत इल्जाम डाल के उन्हें मार दिया गया। तब से फरियाद लेकर आ रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई हमारी फरियाद सुनेगा? कोई जिम्मेदार अधिकारी है हमारी बात सुनने क्या? और कैसी जिम्मेदारी चाहते हैं आप एक सिपाही से? एक सिपाही अपने परिवार का सुख चैन यहां तक कि अपनी जान तक दे देता है। जो हालात है उसमें सिपाही ही है जो अकेला खर्च हो रहा है। क्या चाहते हैं आप कि एक सिपाही अपराधी के घर में जाए, उसे खींच के बाहर लाए और उससे चुराए पर फांसी पर चढ़ा दे? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जब कोई वारदात या हादसा होता है तो सिपाही उसका पंचनामा बनाता है, एफआईआर दर्ज होती है, सस्पेक्ट को टारगेट किया जाता है, फाइलों का इतना बड़ा पोटला बनाकर अदालत की दहलीज पे रखता है, फैसला अदालत में होना होता है और अक्सर यह होता है कि कानूनी दाव पेच की वजह से अपराधी छूट जाते हैं। और याद रखिए, जब भी कोई अपराधी छूटता है तो फरियादी बाद में हारता है, सिपाही पहले हारता है और वो बार बार हारता है, बार बार हारता है सिपाही। और अगर आप सिपाही से किसी चमत्कार या किसी जादू की उम्मीद रखते हैं तो अपने आप को प्लीज धोखे में मत रखिए। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं।